आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। देश को तो चाय वाले ने लूटा, अंग्रेजों में कहां दम था। देश को तो चाय वाले ने लूटा, अंग्रेजों में कहां दम था। और मेरे देश की युवाओं की वोट वहां जा डूबी जिस सरकार पर रोजगार ही नहीं था। हमारे देश में एक सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी देश में आप चले जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, 12 महीने तो वहाँ चुनाव होते हैं, उसका खर्चा कहाँ जाएगा, वो भी हमारे जनता पे डाला जाता है। ये समझ नहीं रहे सरकार हमारी, पर हमको लॉलीपॉप चुसा दिया गया है, हम चूस रहे हैं कि ये हो गया हमारे देश में, वो हो गया। क्या हुआ सर हमारे देश में? आज भी हमारे देश में वही है, जब हमारे यहाँ मोदी साहब हैं तो विपक्ष काम कर नहीं देता, तो कांग्रेस आ जाती तो बीजेपी काम नहीं करनी देती, हमारे यहाँ यही चलता रहता है 12 महीना। हमारे देश का नौजवान ही सबसे पिछड़ा हुआ है, उनकी कुन्य जैन सोच बना दी हमारी देश हमारे नौजवान की, वो उसी से चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे, अंधभक्ति में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब जब रुपया गिरता और डॉलर ऊपर चढ़ता है, तब तब देश की साख नीचे गिरती है। ये वक्तव्य है प्रधानमंत्री मोदी का, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज सर्वकालिक सबसे ऊंचे स्तर पर जो रुपया है वो नीचे गिर चुका है, क्योंकि एक डॉलर के बराबर 83 रुपये 29 पैसे हो चुके हैं। अब ये इससे ज़्यादा कभी भी ऊपर नहीं गया डॉलर का, जो एक डॉलर का जो रेट है वो इससे ज़्यादा ऊपर कभी नहीं गया। अब लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि जब पिछली सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो उस समय इस चीज़ को लोग बोलते थे और विपक्ष सहित कई लोग बोलते थे कि इस जो शाख गिरता है देश का। अब लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि उनका क्या मानना है। क्या लगता है सर इस बारे में कि डॉलर जो है लगातार मजबूत होता जा रहा है रुपये के मुकाबले? सर वो तो सर जब से मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, सो जहन मेरा ऐसा हुआ है, स्ट्रांग हुआ है कि मैं जानने लगा हूँ लोगों को, दुनिया समाज को, तो 56 रुपये हुआ करता था उस समय डॉलर, है ना। जब से मैं समझने लगा हूँ चीज़ों को, आज 83 रुपये हो गए, 29 पैसे हो गया। इसके पीछे आप समझो क्यों हो रहा है, इसके पीछे ना अब ये इसलिए हो रहा है कि आप देख रहे हो रोज़गार कहाँ, बेरोज़गारी इतनी फैल रही है हमारे देश में, महंगाई इतनी बढ़ रही है, हर चीज़ के रेट, पेट्रोल के रेट कहाँ जा रहे हैं, सिलेंडर के रेट कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, रोज़गार है नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी देश में आप चले जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, 12 महीने तो वहाँ यहाँ चुनाव होते हैं, तो उसका खर्चा कहाँ जाएगा, वो भी हमारे जनता पर डाला जाता है, ठीक है। अभी G20 हुआ, सबसे ज़्यादा खर्चा G20 में सारे देशों में सबसे टॉप पे हमारा देश है, 4100 करोड़ रुपये हमने खर्च दिए, जबकि बजट 900 करोड़ था, 64 दिखा रहे हैं अलग अलग फिगर अलग अलग हैं। तो इंडोनेशिया ने भी तो कराया सबसे कम पे हमें, तो ये सब चीज़ें जब होंगी, जो देखिए आय से ज़्यादा खर्च जब होने लगेगा तो ये मार्केट में दिक्कत आएगी, तो डॉलर अब जो दिक्कत आएगी, तो हम लोगों को इतनी महंगाई हो रही है ना, इसका बहुत मुश्किल है। डॉलर तो बढ़ेगा ही दिन पर दिन, और डॉलर बढ़ेगा तो हमारा जो पूंजी है वो हल्की होती चली जाएगी, इंटरनेट मार्केट में हमारी वैल्यू कम होती जाएगी। ये समझ नहीं रहे हैं सरकार हमारी, बस हमको लॉलीपॉप चुसा दिया गया है, हम चूस रहे हैं कि ये हो गया हमारे देश में, वो हो गया। क्या हुआ सर हमारे देश में? आज भी हमारे देश में वही है, मैं 35 साल की उम्र में था जब भी बेरोजगारी में, नहीं हम ऐसा कहा जाता है या प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अब जो देश है वो सुपर पावर बनने वाला है और अब हम विश्व गुरु बनेंगे। मुँह से बनते हैं क्या सुपर पावर? अगर मुँह से बनते होते दुनिया सब बन रही होती, पाकिस्तान सबसे पहले बन जाती, है ना। बातों से सर बतासे नहीं फोड़ जाते, काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ सर जब हमारे यहाँ मोदी साहब हैं तो विपक्ष काम कर नहीं देता, तो कांग्रेस आ जाती तो बीजेपी काम नहीं करनी देती, हमारे यहाँ यही चलता रहता है 12 महीना। सब एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं सारे नेता, है ना। देश की बात कोई नहीं सोच रहा, नौजवानों, हमारा देश का नौजवान ही सबसे पिछड़ा हुआ है, उनकी कुन्य जैन सोच बना दी हमारी देश हमारे नौजवान की, वो उसी से चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे, अंधभक्ति में लगे हुए हैं, है ना। किस चीज़ के अंधभक्ति में लगे? आप समझ रहे हो, अनभक्ति होती है किसी प्रकार की, अनभक्ति हो चाहे वो क्रिकेट पर हो जाए, चाहे वो राजनीति पर हो जाए, चाहे वो फिल्मों पर हो जाए। फिल्मों में भी ये देखा ना, एक प्रकार की पार्टी को कराने के लिए कितना ट्विटर वॉर चली, क्या हुआ, कुछ हो पाया? सर कुछ नहीं होता, जिस देखो जागो राखे साई है और मार सके ना कोई, तो जिसको ऊपर वाले ने इज्जत दे दी है ना, तो उसको हमको भी इज्जत देनी पड़ेगी, ये आप मान लो। तो ये सर क्या होता है कि अब जो हमारे पक्ष विपक्ष जो भी है, सब अपने अपने भुट्टे सेक रहे हैं, उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं के बच्चे
नेता नगरी में आ रहे हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, नेता को हम लोग कहते रहते हैं कि नेपोटिज्म चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है। किस चीज़ में नेपोटिज्म नहीं है और नेपोटिज्म होनी भी चाहिए? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही तो बनेगा। आज मैं फिल्म एक्टर बन जाऊँ, मुझे पता ना फिल्म एक्टर में कमाई है, तो मैं फिल्म एक्टर तो बेटे को बनाऊँगा, उसमें क्या? इसमें लोगों को समस्या इसलिए है कि जो डिज़र्व करते हैं उन लोगों को छोड़कर, जो जान पहचान की वजह से जो लोगों को लाया जाता है, इस चीज़ की वजह से शायद नेपोटिज्म को लोग मना करते हैं या फिर लोगों का इनकार हो। सर एक चीज़ बता दूं, डिज़र्व कैंडिडेट ना कभी नहीं, जो प्रतिभा होती है ना, देखिए अब मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, स्पोर्ट्स से उदाहरण देता हूँ। कुलदीप शर्मा वो इतना अच्छा था, जब जब मौका मिला उसको, उसने अपना प्रूफ किया, उसके बाद भी बिठाए रखा ना, पर डिज़र्व कैंडिडेट था, उसने अपनी एक्शन पे वो करा, अपने NCMA कर गया, उसने ट्रेनिंग ली, एक्शन सुधारा, स्पीड और बढ़ाई, आज देखो सबसे टॉप एशिया में वैन ऑफ द सीरीज रहा और वर्ल्ड कप के लिए फिर सिलेक्शन हो गया। तो जो टैलेंटेड होता है वो आप कितने भी उसको पीछे रख देना, वो आगे आए गए। तो टैलेंटेड लोगों को ना किसी की जरूरत नहीं होती, उसको ऊपर वाला लाता है, और जिसको ऊपर वाला लाता है ना, उसको फिर उसके लिए कोई वो कुछ नहीं होता, प्लेटफॉर्म वो आगे निकलता ही, वो बढ़ता ही जाता है ना। तो ऐसा नहीं है, बात बाकी है कि जिसको जो आने, देखिए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, उसमें कोई वो नहीं है, और नेता का नेता बन जाए, उसमें कैसे क्या दिक्कत है? दिक्कत और जो काबिलियत रखता है उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो निकलता ही आगे। ये हमारे यहाँ सबसे बेसिक, हमारा देश आगे जब बढ़ेगा, जब हमारा युवा है जो 25 साल से लेकर 35 साल के जो युवा हैं वो आगे बढ़ेंगे, वो स्ट्रॉन्ग होंगे, एजुकेटेड में उनको रोज़गार मिलेगा, देश आगे बढ़ेगा, आपको हर चीज़ सॉल्व होती जाएगी। हमारे यहाँ कोई भी नेता आते हैं रोज़गार पे कोई ही बात नहीं करते। आप उठा लो, आज भी मार्केट चल रहा है, ये लोग इतने सारे बोल रहे हैं, कोई भी किसी को भी मुद्दा नहीं देखना, वो रोज़गार पे बात करते हैं। तो आपको ये लगता है कि अब जो है मुद्दों पे बात नहीं होती, जिस तरह से महंगाई हो गए, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इस तरह के चीज़ों पे बात नहीं होती, बेरोजगारी पे बात नहीं होती, तो अब बात किस चीज़ पे होती है? मेन मुद्दे पे तो बात करने को तैयारी नहीं है। सबको पता क्या चाहिए, उन्हें कि हिंदू मुस्लिम, उन्हें कि बुलडोजर लगा दो, उन्हें कि इसको फटाका उसको फोड़ दो, उन्हें कि छत पे छता आ जाओ, गली नंबर 2 में कौन रहता, गली नंबर 3 में कौन रहता, ये बातें हो रही है हमारे देश में। जन और युवा हैं, देखो युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, युवाओं के कुंज से जहन डाल दिया उनको, वो उनको अंधभक्ति वाली जहन बना दिया, वो मुद्दे साइड की बातें नहीं कर रहे। आप एजुकेशन की बात नहीं कर रहे कि कॉलेज होने चाहिए, आप हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहे, आप रोड्स की बात नहीं कर रहे, आप जनसंख्या पर बात नहीं करते, आप रोज़गार पर बात नहीं करते। हमारे यहाँ टोटल मुद्दा क्या हो गया जब से BJP आई है? हिंदू मुस्लिम, बस यही बातें होती रहती हैं, बस इसी पर, उसी पर यूट्यूब चैनल। चीज़ के लिए आप जिम्मेदार किसे मान? जनता को तो पहले भी थी और जनता आज भी। देखिए जनता, हम कहते हैं कि हमको ये नहीं दे रही सरकार का ठेका नहीं ले रहा, सरकार हमारे हाथ में ना, हम सरकार बनाते हैं, सरकार हमको नहीं बनाती, 2 मिनट में सरकार सही हो जानी है, पर हम लोगों का जहन ही हो गया, हम खुद ही नहीं सुधरना चाह रहे हैं। अगर हम खुद सुधरेंगे तो सरकार तो 2 मिनट में सुधर जाएगी, हम लोग खुद ही नहीं रहते, हम खुद ही आलसी हैं, हम खुद ही कहते हैं हाँ चल रहा है, जैसे चलने दो, 70 साल कांग्रेस ने चला दिया, फिर अभी BJP चला रही है 9 साल से, कल समाजवादी आ जाएगी, फिर कोई नई पार्टी आ जाएगी, अलाना फलाना ढिमका ढिकाना सब आ जाएंगे, हम ऐसे जीते रहेंगे, हम गरीब थे, गरीबी पैदा हुए, गरीब मर जाएंगे। पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में, ये बात है सर, एजुकेट नहीं हम लोग, आज भी हम लोग एजुकेट। एजुकेशन पे काम करना किसका काम है? ये तो सरकार का ही काम है। सर पढ़ाया नहीं जा रहा ना, और जो पढ़ाया है वो उसको अमल नहीं किया जा रहा। हमारे स्कूल्स में LCM 10θ²θ अलाना फलाना ढिमका ये पढ़ाया जाता है, ये अमूमन जिंदगी में आता है, काम नहीं आता ना, पर ये पढ़ाया जाता। डिपेंड करता है फील्ड में, किस फील्ड में जा रहे हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो जब सर कोई सरकार जब रोजगार पर बात ही नहीं करेगी, देखो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार की बात नहीं करेगी, तो जितना देखिए पत्रकारों को भी उतना ही इस ये चौथा स्तंभ है पत्रकार, उनको भी अपनी रेज वॉइस करनी चाहिए कि भैया इस पे बात करें, मेन मुद्दे पे बात करेंगे तो सुनेगा, ऐसा नहीं है कि सुनेगा नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की कि आखिर जो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार जो है भाजपा की सरकार पिछले 9.5 साल से अभी है सरकार में। मैं शेर कह दूं चाय के ऊपर, ठीक है बताइए। देखिए देश को तो चाय वाले ने लूटा, अंग्रेजों में कहां दम था? देश को तो चाय वाले ने लूटा, अंग्रेजों में कहां दम था? और मेरे देश की युवाओं की वोट वहां जा डूबी जिस सरकार पर रोजगार ही नहीं था। तो शायरी के बाद अब मैं अपना खत्म करता हूं ये सारी बात।
तो आपने बातचीत देखी कि लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, डॉलर के मुकाबले रुपया का गिरना हो, इस तरीके के मुद्दे जो है अब जैसे गायब से हो गए, कोई इस पर बात ही नहीं करता। हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, ऐसे मुद्दे अब हावी हो चुके हैं, तो अब चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं, लोग इसी पर वोट भी कर रहे हैं, तो आखिर इन मुद्दों की बात ही क्यों हो। अब आने वाले चुनाव में देखते हैं कि किस कौन सा मुद्दा प्रभावी रहता है, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगन टीवी। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन अंकित के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।